बूढ़ी माँ की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का यह वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या जो एक माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसीलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती रहती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए, वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, अपनी माँ से मिल लो, वह बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है क्योंकि बचा हुआ खाना खराब हो जाता है, तो इस आश्रम के लिए 2-3 फ्रिज भी खरीद देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, माँ आपको इतने साल हो गए पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप यह सब मुझे बता रही हो, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख पीड़ा सहन कर ली, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे, तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए तेरी सुविधा के लिए तुझे यह सब लगाने को कह रही हूँ। धन्यवाद।